हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैंने अपने लास्ट टॉपिक पे आपको स्टीम टरबाइन, मेनली इम्पस टरबाइन के क्वेश्चन को स्टार्ट किया था, और मैंने आपको इसका फर्स्ट पार्ट कि ब्लेड इनलेट एंगल कैसे निकालते हैं ये हमने निकाला था और समझा भी था। तो आज बाकी के जो तीन पार्ट्स बच गए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा देखते हैं कि पिछले वाले में हमने कैसे इसको सॉल्व किया था। तो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने थीटा को यहाँ पे ईजिली सॉल्व करके निकाला था। हमारा जो थीटा है वो कितना आया था, 29.42 डिग्री। इस चीज़ को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि हमारा थीटा आया था वो कितना आया था, 29.42 डिग्री। तो चलिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर सिमेट्रिकल ब्लेडिंग हो तो वहाँ पे जो हमारा ब्लेड एंगल का जितना इनलेट होता है वो उसके आउटलेट के इक्वल होता है। यानी अगर हमारा थीटा 29.42 डिग्री आया है तो वो फाई के इक्वल होगा। अब आप इस वेलोसिटी ट्रायंगल को थोड़ा ध्यान से देखें अगर, तो जितना थीटा है उतना ही मेरा क्या आया है, फाई आया है। तो अब पहले वाले में मैंने इस ट्रायंगल को यूज़ किया था, अब मेरा अगर मुझे फाई पता है तो मैं इस वाले ट्रायंगल को यूज़ करके VF2 और VW2 की वैल्यू को ईजिली फाइंड आउट कर सकता हूँ। लेकिन उसको फाइंड आउट करने से पहले मैं रिलेटिव वेलोसिटी जो है यहाँ पे आउटलेट की उसको निकालूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम रिलेटिव वेलोसिटी एट आउटलेट कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए मैं एक वाइट पेज लेता हूँ और मैं आपको समझाता हूँ कि रिलेटिव वेलोसिटी एट आउटलेट कैसे निकालेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूँ कि हमें क्वेश्चन में गिवन था कि फ्रिक्शन फैक्टर जो है हमारा वो है 0.7, तो इसका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं VR को निकालना बताता हूँ कि हम VR कैसे निकालेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मुझे VF1 पता है, DA पता है, तो क्या मैं VR नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता हूँ और बहुत ईजी तरीके से निकाल सकता हूँ। तो चलिए पहले मैं VR निकालता हूँ। 1st वीडियो को देखें फिर उनको समझना काफ़ी इजी हो जाएगा इस टॉपिक को, क्योंकि मैंने उसमें आपको इसमें बहुत बेसिक कंसेप्ट को बताया है। तो चलिए सबसे पहले मैं VR को निकालता हूँ। तो VR का स्क्वायर, अगर मैं पाइथागोरस लगाऊँ तो VR का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा VF1 का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मैं VR ईजिली निकाल सकता हूँ। मुझे VF और VF1 पता है, VF1 तो मैंने निकाला था पिछले क्वेश्चन में, आपने देखा होगा VF1 मेरा कितना आया था, VF1 मेरा आया था 307.81 मीटर पर सेकेंड। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 307.81 का स्क्वायर, और DA कितना आया था मेरा, DA मेरा आया था 545.72 मीटर पर सेकेंड, 545.72 का स्क्वायर। तो इसको मैंने सॉल्व किया तो जो मेरा VR आया है वो VR क्या आएगा, मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। जो हमारा VR आएगा वो आएगा 307.81 स्क्वायर प्लस 545 प्लस 72 का स्क्वायर। देखिए ये आया, तो ये मेरा आ गया 626.54 मीटर पर सेकेंड। चलिए लिख लेते हैं, यह आ गया 626.54 मीटर पर सेकेंड, 0.54। फिर से मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, 626.54 मीटर पर सेकेंड। आपने देखा कि मेरा VR आ चुका है, तो मुझे यहाँ पे फ्रिक्शन फैक्टर गिवन था। मुझे इस क्वेश्चन में क्या गिवन था, मुझे इस क्वेश्चन में फ्रिक्शन फैक्टर गिवन था, K इज इक्वल टू 0.7। तो मैं इसका यूज़ करता हूँ। मुझे पता है जो K होता है वो होता है VR1/VR। तो मैं यहाँ से ईजिली VR1 को निकाल सकता हूँ, कितना हो जाएगा 0.7 गिवन है, एंड VR मेरा कितना आया है 626.54। तो यहाँ से मेरा VR1 निकल के आएगा। चलिए देखते हैं VR1 कितना आता है। तो जो मेरा VR1 है वो 626 इंटू 0.7, ये आ गया 438.58 मीटर पर सेकेंड। चलिए जी, VR1 भी हमारा निकल गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं अब इस ट्रायंगल को बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ।
क्योंकि मुझे VR1 पता है, फाई पता है, तो मैं बिल्कुल साइन और कॉस के बेसिक फॉर्मूले को लगा के इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ साइन फाई, जो कि है तुम्हारा 29.42 डिग्री, इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा VF2 अपॉन VR1, जो कि मेरा आया है अभी अभी निकल के। तो मैं यहाँ से इजीली VF2 निकाल सकता हूँ, मैं सीधा कैलकुलेट कर देता हूँ। तो VF2 कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा आपका साइन 29.42 डन इंटू VR, कितना आया 438.58। चलिए तो ये आ गया मेरा 215.43। तो लिख लेते हैं इसको 215.43 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वैसे ही अगर मैं यहाँ पे कॉस यूज़ करूँ, कॉस 29.40 डिग्री, तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, AC निकल जाएगा। तो AC अपॉन VR1, तो मेरा यहाँ से AC निकल जाएगा कितना, सीधा मैं कैलकुलेट करता हूँ फिर से। तो ये हो जाएगा कॉस 29.42 इंटू VR1 कितना है, VR1 है आपका 438.58, ये 382.02 मीटर पर सेकेंड। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप AC जब आपको निकल गया है तो आप इजिली VW2 निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना। तो चलिए VW2 निकालते हैं। VW2 जो होगा आपका वो कितना हो जाएगा, VW2 इज इक्वल टू AC, AC कितना है 382.02 माइनस ब्लेड वेलोसिटी जो कि है 300, तो ये आपका आ जाएगा 82.02 मीटर पर सेकेंड। आपने देखा, आपने VW2 निकाल लिया, VF2 निकाल लिया, सब कुछ निकल चुका है क्वांटिटी। अब हमें कुछ नहीं करना, जस्ट फॉर्मूलेस को अप्लाई करना है और अपनी बाकी की चीज़ों को निकालना है। तो इसने मेरे से सबसे पहले क्या पूछा है, अगर आप क्वेश्चन देखो तो पहला पार्ट तो हो गया था मेरा, अब मैं दूसरी चीज़ को निकालूंगा। दूसरे इसने पूछता है एक्सियल थ्रस्ट कितना होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक्सियल थ्रस्ट का मैंने आपको स्टार्टिंग में ही फॉर्मूला लिखा था, एक्सियल थ्रस्ट इज इक्वल टू मास फ्लो रेट, ठीक है, इनटू वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट इनलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट आउटलेट, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो मेरा ये कितना आ जाएगा, अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो ये मेरा आ जाएगा, अगर मैं बात करूँ किसकी, एक्सियल फोर्स की, तो ये जो मेरा एक्सियल फोर्स है, एक्सियल फोर्स FA, ये आ जाएगा मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट आपको 1:1 है। चलिए फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं पहले, एक्सियल फोर्स इज इक्वल टू VF1 माइनस VF2। VF1 आपको पता है, आपने निकाला था स्टार्टिंग में VF1, तो आपका VF1 कितना निकल के आया था, VF1 जो हमारा निकल के आया था 307। मैं आपको भी दिखा देता हूँ वो वैल्यूज, जहाँ पे हमारा भी VF1 की वैल्यूज़ को हमने इजीली निकाला था। तो हमारा जो VF1 की वैल्यू आई थी वो आई थी हमारी 307.81 मीटर पर सेकेंड। चलिए लिखते हैं। तो ये हो गया मेरा 307.81, सॉरी। और जो मेरा VF2 की वैल्यू है, वो VF2 मैंने अभी अभी निकाला है 215.43। तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो मेरा कितना आया, 307.81 माइनस 215.43, ये मेरा आ गया आपका 92.38 न्यूटन, ये मेरा आ गया एक्सियल फोर्स, ठीक है। अब हम निकालते हैं टेंजेंशियल फोर्स। तो हमें टेंजेंशियल फोर्स का फॉर्मूला पता है, टेंजेंशियल फोर्स क्या होता है, टेंजेंशियल फोर्स ही बहुत सिंपल। टेंजेंशियल फोर्स को अगर देखें आप फॉर्मूला तो भी बड़ा सिंपल है। टेंजेंशियल फोर्स ये रहा आपका, ये रहा मास फ्लो रेट VW1 प्लस VW2, बहुत आसान। मास फ्लो रेट
वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू मास फ्लो रेट वन है। वी डब्ल्यू वन मैंने निकाला था, आपने देखा था वी डब्ल्यू वन कितना आया था हमारा, हमारा जो वी डब्ल्यू वन है वो आया था 845.72 मीटर पर सेकेंड, ये रहा। ठीक है तो लिखते हैं, ये आया था 845.72 प्लस वी डब्ल्यू टू मैंने अभी भी निकाला है 82.02, दोनों को प्लस करिए तो आपका ये फाइनल आंसर कितना आएगा, 845.72 प्लस 82.02, ये आ गया आपका 927.75 न्यूटन, ये आपके आ गया टेंजेंशियल फोर्स। देखिए तो हमने टेंजेंशियल फोर्स भी निकाल दिया, तो हमने एक्सियल फोर्स निकाल दिया, हमने टेंजेंशियल फोर्स भी निकाल दिया, तो हम यहाँ पे टिक कर लेते हैं, एक्सियल फोर्स हो गया, टेंजेंशियल फोर्स हो गया। अब हमें क्या निकालना है, पावर और एफिशिएंसी। तो चलिए फ्रेंड हम पावर और एफिशिएंसी को भी निकालते हैं। चलिए तो अगर मैं पावर की बात करूँ, अगर मैं पावर की बात करूँ आपसे, तो पावर का फॉर्मूला जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही सिंपल फॉर्मूला, मैं आपको दिखाता हूँ पावर का फॉर्मूला। हमने क्या पढ़ा था कि पावर इज इक्वल टू एफ टी इंटू वी वी इंटू थाउजेंड। तो चलिए निकालते हैं अपनी चौथी चीज पावर, तो पावर इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, एफ टी इंटू ब्लेड वेलोसिटी अपॉन थाउजेंड। चलिए टेंजेंशियल फोर्स मैंने अभी अभी निकाला है, और टेंजेंशियल फोर्स की जो हमारी वैल्यू है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कितनी आई थी टेंजेंशियल फोर्स की वैल्यू, अगर आपको ध्यान हो तो 927.75। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं 927.75, और ब्लेड वेलोसिटी हमें गिवन थी 300 मीटर पर सेकेंड 1000, ये रहा। तो यहाँ से हमारा पावर आ जाएगा, तो हमारा पावर कितना आ रहा है 927.75 इंटू 300 होल डिवाइडेड बाई 1000, तो ये आ गया मेरा 278.32 किलो वॉट, ये मेरा आ गया पावर। अब हम तो एक लास्ट चीज़ और इस क्वेश्चन में पूछा है इसने कि एफिशिएंसी कितनी होगी, कि एफिशिएंसी कितनी होगी। आपको पता है एफिशिएंसी का फॉर्मूला बहुत ही आसान है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने कि जितना हमारा वर्क डन हुआ है एफ टी इंटू वी वी अपॉन वी स्क्वायर बाई टू। तो चलिए इसके भी निकाल लेते हैं, तो जो पांचवी चीज़ है वो है हमारी एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला एफ टी इंटू वी वी अपॉन वी स्क्वायर बाई टू। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, हमें एफ टी गिवन है, हाँ जी 927.75, ब्लेड वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकेंड, स्टीम वेलोसिटी हमें क्वेश्चन में गिवन थी, स्टार्टिंग जब हमने की थी तो स्टीम वेलोसिटी कितनी गिवन थी 900 मीटर पर सेकेंड, ये रहा स्टीम वेलोसिटी। तो ये ले लेते हैं 900 का स्क्वायर और ये 2 ऊपर चला गया 2, तो हमने देखा कैलकुलेट कर लेते हैं सिंपल, तो हमारे इससे एफिशिएंसी आ जाएगी। तो एफिशिएंसी 927.75 इंटू 300 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 900 स्क्वायर, तो ये जो एफिशिएंसी है वो हमारी है 68.72%, यानी एफिशिएंसी कितनी आ गई 68.72%, ये इसकी एफिशिएंसी हुई। तो आपने देखा कि हमने सभी चीज़ें निकाली, ब्लेड इनलेट एंगल निकाला जो कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था जो कि मेरा आया 29.42 डिग्री, फिर हमने एक्सियल थ्रस्ट निकाला, फिर हमने टेंजेंशियल फोर्स निकाला, और लास्ट में मैंने पावर और एफिशिएंसी निकाली। सो हमने इस वेलोसिटी ट्रायंगल को यूज़ करके पहले हमने क्या किया, सारी अननोन वैल्यूज़ को निकाला। इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि पहले इसके अननोन वैल्यूज़ को निकालो और फिर इसकी वैल्यूज़ को वहाँ पे पुट करो फॉर्मूलेस में, और ईजिली आप सारी चीज़ों को निकाल सकते हो। तो आई होप कि आप सबको ये क्लियर हुआ होगा, आपको कोई भी डाउट है, आपका कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।